हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रभात कुमार है और आज मैं द फोर बार चेन मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। इससे पहले मैंने पार्ट वन बनाया था और पार्ट वन में मैंने द फोर बार चेन को एक्सप्लेन किया था। उसमें पैरेलल क्रैंक, फोर बार लिंकेज और डेल्टॉइड लिंकेज को एक्सप्लेन किया था। इस पार्ट में मैं द स्लाइडर क्रैंक चेन को एक्सप्लेन करूंगा और इसके बाद एक और पार्ट आएगा, उसमें मैं डबल स्लाइडर क्रैंक चेन को एक्सप्लेन करूंगा। स्लाइडर क्रैंक चेन जानने से पहले एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं कि फोर बार चेन होता क्या है। तो फोर बार चेन में फोर बार्स होती हैं और ये सारी लिंक्स जो है एक दूसरे से कनेक्टिंग पिन्स के द्वारा कनेक्टेड होती हैं। इसमें एक फिक्स्ड बार होता है जो कि फिक्स्ड होता है, एक क्रैंक होता है, क्रैंक का मतलब होता है वैसी लिंक जो एक कंप्लीट रोटेशन करती है, एक कपलर होता है और एक फॉलोअर होता है। एक फोर बार चेन या एक स्लाइडर क्रैंक चेन में चार लिंक्स होती हैं। अगर हम हर बार डिफरेंट डिफरेंट लिंक्स को फिक्स करें तो हमें डिफरेंट मैकेनिज्म मिलता है और उन डिफरेंट मैकेनिज्म्स को हम इन्वर्जन्स कहते हैं। जैसा कि आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं, हमने इसमें एक लिंक को, इस ब्लू कलर वाली लिंक को एक स्लाइडर से रिप्लेस कर दिया है और अब इसका नाम हो गया है स्लाइडर क्रैंक चेन। अब हम आगे देखेंगे कि हर बार हम एक डिफरेंट लिंक को फिक्स करेंगे, उसके वजह से एक डिफरेंट मैकेनिज्म मिलेगा और उसे हम इन्वर्जन कहेंगे। तो फर्स्ट इन्वर्जन को देख लेते हैं। तो फर्स्ट इन्वर्जन में हमने लिंक वन को फिक्स कर दिया है, इसके वजह से लिंक टू और फोर जो है वो स्लाइडर और क्रैंक का काम कर रही है। आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं कि ये वाली जो लिंक है ये कंप्लीट रोटेशन कर रही है, ये वाली लिंक स्लाइड कर रही है और ये वाली लिंक इस पाइवोटेड पॉइंट के अबाउट ये कंप्लीट रोटेशन कर रही है। इसका एक यूज हम रेसिप्रोकेटिंग इंजन एंड रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर्स में करते हैं। अब बात करते हैं सेकेंड इन्वर्जन के बारे में। तो इसमें हम लिंक टू को फिक्स करते हैं और इसका एप्लीकेशन रोटरी इंजन विटवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म में होता है। आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं इसमें हमने रेड कलर वाली लिंक को फिक्स कर दिया है, इसके वजह से ब्लू और येलो कलर वाली लिंक कंप्लीट रोटेशन कर रही है और जो ग्रीन कलर वाला स्लाइडर है वो येलो कलर वाली लिंक पर स्लाइड कर रहा है। अब क्योंकि विटवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसे हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे और हम देखेंगे कि फर्स्ट इन्वर्जन से सेकेंड इन्वर्जन बनते हुए और उस सेकेंड इन्वर्जन से हम विटवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म को बनते हुए देखेंगे। तो आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं कि पहले हम रेड कलर वाली लिंक को फिक्स करेंगे, इसके वजह से हमें सेकेंड इन्वर्जन मिलेगा और उसके बाद हम धीरे धीरे हर एक लिंक में मॉडिफिकेशन करते जाएंगे और उसके बाद हमें विटवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म मिलेगा। तो जो येलो कलर वाली लिंक है इसमें हम स्लॉट्स बना देंगे, जैसा कि आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं कि इस येलो कलर वाली लिंक में एक स्लॉट बना दिया है और एक जो ब्लू कलर वाली लिंक है उसमें हमने एक सिलेंड्रिकल नॉच लगा दिया है और सबके शेप को थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई कर दिया है। ये देख सकते हैं कि सबके शेप को मॉडिफाई कर दिया गया है और अब ये हमारा बन गया विटवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। इसमें जो येलो कलर वाली लिंक है इसका जो एक्सटेंडेड पार्ट है इसमें हम एक कटिंग टूल को लगा देंगे। विटवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म लेथ मशीन में यूज किया जाता है टूल्स या किसी भी मेटल को काटने के लिए। इसमें जो आप देख सकते हैं कि जो फॉरवर्ड स्ट्रोक है ये लंबा समय ले रहा है और जो रिटर्न स्ट्रोक है ये जल्दी आ जा रहा है। इसका मतलब ये है कि फॉरवर्ड स्ट्रोक मेटल को काटने के समय यूज होता है और जो रिटर्न स्ट्रोक होता है इसमें कुछ भी नहीं काटा जाता है तो ये आइडियल होता है, तो इसमें हमें समय कम लगता है। अब हम देख लेते हैं रोटरी इंजन को। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो सारी सिलेंडर्स है ये कंप्लीटली रोटेट कर रही है और इसमें जो भीतर में जो लिंक्स है वो कंप्लीट रोटेशन कर रही होती है। इसका इस्तेमाल एयरक्राफ्ट्स में किया जाता है, ये आप देख सकते हैं, और इसी के वजह से जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो आगे की तरफ मूव करते हैं और फ्लाई करते हैं। अब हम थर्ड इन्वर्जन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें लिंक थ्री को फिक्स किया जाता है, इसका इस्तेमाल ऑसिलेटिंग सिलेंडर इंजन और क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म में होता है।
क्योंकि क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं कि फर्स्ट इन्वर्जन अभी हो रहा है, इसके बाद हम ब्लू कलर वाली लिंक को फिक्स कर देंगे, इसके वजह से ये थर्ड इन्वर्जन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें जो येलो कलर वाली लिंक है ये बस ऑसिलेट कर रही है। धीरे धीरे अब हम सारे लिंक्स को थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करते जाएंगे और इससे हमें क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म मिलेगा। आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं कि ये जो ब्लू कलर वाली लिंक है, ये जो ब्लू कलर वाली लिंक है, ये अपने पॉइंट के अबाउट जो है सिर्फ ऑसिलेट कर रही है। इस पॉइंट के अबाउट जहां पर ये पाइवोटेड है, इसके अबाउट ये रोटेट कर रही है। इसमें भी विटवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म की तरह फॉरवर्ड स्ट्रोक होता है और बैकवर्ड स्ट्रोक होता है। फॉरवर्ड स्ट्रोक में मेटल को काटा जाता है। आप देख सकते हैं ये जो फॉरवर्ड स्ट्रोक कर रहा है ये ज्यादा समय ले रहा है क्योंकि इसमें मेटल को काटा जा रहा है, और बैकवर्ड स्ट्रोक में ये काफी जल्दी आ जा रहा है क्योंकि ये आइडियल है, इस वक्त ये कोई भी काम नहीं कर रहा होता है। इसमें जो टाइम ऑफ कटिंग होता है, मतलब कि जितना समय इसे मेटल काटने में लगता है, ये इस एंगल के प्रोपोर्शनल होता है। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, ऑसिलेटिंग सिलेंडर इंजन। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो सिलेंडर है ये भी ऑसिलेट कर रहा है पिस्टन के साथ में। विटवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म और क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म बहुत हद तक एक जैसे लगते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं। जैसे कि विटवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म में जो क्रैंक है वो फिक्स लिंक से बड़ा होता है, लेकिन क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म में फिक्स लिंक क्रैंक से बड़ा होता है। विटवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म में कपलर कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर रहा होता है। इसमें आप देख सकते हैं ये जो कपलर है ये इस पाइवोटेड पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है, लेकिन इसमें जो है कपलर वो बस अपने हिंज्ड पॉइंट या पाइवोटेड पॉइंट के अबाउट ऑसिलेशन कर रहा होता है। ये आप देख सकते हैं कि ये जो कपलर है ये अपने हिंज पॉइंट के अबाउट बस ऑसिलेशन कर रहा है, और यही दो बेसिक डिफरेंसेस हैं क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म और विटवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म में। अब चौथे इन्वर्जन के बारे में बात कर लेते हैं। चौथे इन्वर्जन में चौथी लिंक को फिक्स कर दिया जाता है और इसका इस्तेमाल हैंडपंप में होता है। अभी मैं आपको हैंडपंप की वर्किंग को भी एक्सप्लेन कर दूंगा। हैंडपंप में एक हैंडल रॉड होता है, ये पिस्टन रॉड है या पंप रॉड, ये पिस्टन है, ये आउटलेट है, ये फुट वॉल्व है और ये पाइप है। जब हम पिस्टन को नीचे से ऊपर की तरफ मूव कराते हैं तो यहां पर सक्शन क्रिएट होता है जिसके वजह से वैक्यूम बनती है, और इस वैक्यूम के वजह से पानी नीचे से ऊपर की ओर रश करता है। उसके बाद ये फुट वॉल्व नीचे आता है और पानी को हम नीचे से ऊपर की ओर पुश करते हैं। जैसे ही आप देखेंगे ये पिस्टन नीचे आ रहा है तो फुट वॉल्व बंद हो जा रहा है ताकि पानी नीचे की ओर फ्लो ना हो पाए, और फिर ये पानी हम डिस्चार्ज कर रहे हैं या आउटलेट से निकल रहा है। एक वॉल्व का काम ही होता है कि फ्लो को हमेशा एक ही डायरेक्शन में होने दे, वो उसे दूसरे डायरेक्शन में होने से रोकता है। एक बार रिविजन कर लेते हैं, तो फर्स्ट इन्वर्जन, सेकेंड इन्वर्जन, थर्ड इन्वर्जन, फोर्थ इन्वर्जन के बारे में। फर्स्ट इन्वर्जन में रेसिप्रोकेटिंग इंजन हमें मिलता है, सेकेंड इन्वर्जन में हमें विटवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म और रोटरी इंजन, थर्ड इन्वर्जन में हमें क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म, और ऑसिलेटिंग सिलेंडर इंजन मिलता है। फोर्थ इन्वर्जन में हमें हैंडपंप मिलता है। आई होप ये आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।